हे एवरीवन एंड वेलकम। सेशन नंबर 8 में फाइनल ले आया हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं काफी लेट हो गया सेशन नंबर 8 लाने में, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। अभी भी कुछ खास नहीं है, सो आई एम रियली रियली सॉरी मैं इतना लेट हो गया। तो एज यू ऑल नो, हमने पिछले सेशन में बात की थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और क्यों हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना पड़ता है, राइट? कि क्यों हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एज एन एनालिस्ट करने की जरूरत है और उसके क्या यूजेस है, राइट? सो एक बार जल्दी से गो थ्रू करते हैं हमने क्या देखा था, और आज हम इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे, पूरा डीकोड करेंगे स्क्रैच टू फिनिश, राइट? तो चलिए, हमें देखा क्यों करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। वंस अगेन मैं आपको छोटा सा वो दे देता हूँ, एक रिकैप, ताकि आपको याद आ जाए कि हमने क्या क्या देखा था, राइट? क्योंकि इक्विटी रिसर्च की अभी स्टार्टिंग ही हुई है और अभी हम इसको सेशन को और भी आगे ले जाने वाले, राइट? तो वंस अगेन, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप कर रहे हो तो हो सकता है आपको इतना क्लैरिटी ना मिले, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी मालूम है FSA क्या होता है, कैसे करते हैं, देन यू कैन वॉच द सेशन। फिर इसकी बात की थी, फिर हमने इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट की बात की थी। वंस अगेन, अगले एक हफ्ते में मैं रिसर्च रिपोर्ट बनाना आपको सिखा दूंगा। सो माय रिक्वेस्ट इज, सोल रिक्वेस्ट इज कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट कीजिए। फिर हमने इनकम स्टेटमेंट पूरी डिकोड की थी, थियोरेटिकल देखी थी, आज हम प्रैक्टिकल बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट और उसके चार्ट्स वगैरह भी बनाएंगे, राइट? तो ये पूरा आपका इनकम स्टेटमेंट का फ्लो है, जैसा कि मैंने इसको पिछले सेशन में भी एक्सप्लेन किया था कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और क्या होता है, राइट? सिंपल से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू, आपने माल बेच के कितना पैसा कमाया, फिर आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो माल बनाने में खर्चा हुआ है वो उससे बचा आपको ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? फिर SG&A एक्सपेंसेस माइनस करें, जो जितने भी ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। उसके बाद आ गया हमारा EBITDA। EBITDA क्या होता है, आपका कामकाजी मुनाफा, क्या आपने मेन ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट बनाया, राइट? EBITDA के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है EBITDA, क्योंकि ये गैप मेजर नहीं है। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ईबिटडा को डिस्क्राइब नहीं करता, लेकिन फिर भी ईबिटडा का महत्व बहुत है इक्विटी रिसर्च में भी और वैल्यूएशन में भी, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर ईबिटडा में से मैं नॉन नॉन कैश एक्सपेंस है हमारा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन सिंपल सी से टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स पे उनकी वैल्यू जब डिक्लाइन हो जाती है हल्की सी, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हम लगाते हैं और वो ईबिटडा में से माइनस करते तो हमें मिलता है ईबिट। ईबिट को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बोलते हैं, ये भी एक टाइप का कामकाजी मुनाफा ही है, लेकिन हम डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में से हटा देते हैं तो हमें ईबिट मिलता है, राइट? फिर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब जितना भी आपने कर्जा उठाया है वो उसको आप पे ऑफ करते हो, फिर आता है हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट? और इंटरेस्ट जो है हमारा, इसमें जो आई है आपका, इंटरेस्ट इज अ टैक्स सेविंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट इज अ टैक्स सेविंग, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये कैसे टैक्स बचाता है, राइट? टैक्स सेविंग एक्सपेंस, तो इस पर भी हम बात करेंगे, राइट? फिर आता है हमारे पास एंड में हमारा टैक्सेस माइनस करके हमारे पास आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट? PAT, राइट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज द मेन थिंग, विच इज नेट प्रॉफिट। तो चलिए, आज हम एक्सेल में चलते हैं सीधा इनकम स्टेटमेंट बनाने, राइट? सो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ITC का इनकम स्टेटमेंट है, राइट? ये कहाँ से मैं डाउनलोड करा, स्क्रीनर से डाउनलोड करा। आपको ऑलरेडी मालूम है स्क्रीनर से कैसे डाउनलोड करते हैं। कंट्रोल टी करा, डैशबोर्ड पे गए स्क्रीनर के, यहाँ पे मैंने फेवरेट्स में कर रखा है, सिंपल से ITC सेलेक्ट किया आपने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट टू एक्सेल आ रहा है, राइट? एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक करोगे तो एक ऐसी डेटा शीट आपके लिए डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए, हम पूरा और प्रैक्टिस शीट मैंने इसलिए बना के रख रखी, ताकि इसमें कोई भी रफ वर्क आपको करके दिखाना हो, कोई भी चीज एक्सप्लेन करनी हो, डेप्रिसिएशन एक्सप्लेन करना हो, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, राइट? तो वंस अगेन, ये कोई थ्योरेटिकल सेशन नहीं होगा, मैं सीधा कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा चीजें, मैं हर एक आइटम को लेके उसको तोड़ मरोड़ के आपको नोट्स टू अकाउंट्स में ले जाके ये दिखाऊंगा कि ये आइटम का महत्व क्या है, आप इस आइटम को कैसे समझे और चीजों को कैसे डिकोड करें। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक नई शीट इंस्टॉल करूंगा, Alt+H IS। वंस अगेन, मैं फोक्स आपको एक्सेल की बेसिक्स नहीं सिखाने वाला, मैं आई एम अज्यूमिंग कि आपको एक्सेल ऑलरेडी आता है, कि आपको बेसिक नॉलेज है एक्सेल की, और मैं माउस यूज कम करूंगा। 99% केस में माउस यूज नहीं करूंगा, अगर कहीं मुझे माउस यूज करना पड़ा तो मैं बता दूंगा, राइट? अब मेरे को ग्रिड लाइन हटानी, Alt+W VG, राइट? Alt+H OW करके मैं इसमें 1.5 दूंगा, राइट? जो कॉलम ए है मेरा, मेरे को उसे छोटा रखना है और यहाँ से मुझे शुरू करना है। देखिए, हमेशा एक डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, राइट? पहले मैं क्या करूंगा, टेम्पलेट शीट बना दूंगा, राइट? दिस इज आर टेम्पलेट शीट, इसको मैं नाम दूंगा Alt+HOR, हमारी होगी टेम्पलेट शीट। टेम्पलेट शीट क्या होती है आपकी, सिंपल से टेम्पलेट शीट इज एक ऐसी शीट जो एक बेसिक आपको डिजाइन देगी पूरे मॉडल को, राइट? हम इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बनाने भी सीखेंगे, रेशियो एनालिसिस करेंगे, सब कुछ करेंगे, एडवांस रेशियो एनालिसिस तक जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे मॉडल में पूरा जो हम इक्विटी रिसर्च का प्रोसेस करेंगे एक्सेल में,
वो एक कंसिस्टेंट मैनर में चलेगी, सारी शीट्स आपकी एक जैसी लगनी चाहिए और डिजाइन भी आपका सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाऊंगा, उसी को हम कॉपी करते जाएंगे बाकी सब चीजों में, राइट। पांच लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको ड्रैग करेंगे, राइट। ऑल्ट एच एच, यहाँ पे मैं कलर दूंगा। कलर कौन सा? मैं ये वाला प्रेफर करता हूँ, ये कलर, ठीक है, राइट। दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, मैं कलर भूल गया, रियली रियली सॉरी। इसको मैं दोबारा फॉर्मेट करूंगा। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल बी, कि कुछ भी यहाँ लिखेंगे हम कंट्रोल बी, बोल्ड हो जाएगा वो, ठीक है। ऑल्ट एच एफ सी, बैकग्राउंड काला है तो फॉन्ट आपका ऑब्वियसली व्हाइट होगा, राइट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपनी कंपनी का लोगो, ग्लोबल कंसिलियन रिसर्च का लोगो यहाँ पे है, कंट्रोल एक्स यहाँ पे लाके कंट्रोल वी, राइट। लोगो ले आया, यहाँ मैं ले आया, राइट, ग्लोबल कंसिलियन रिसर्च, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल से इक्वल्स, चलो ये हमारी हो गई शीट, ये हमारी टेम्पलेट शीट बन गई है। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें इसमें करते हैं। ये इतना, ठीक है। हाँ, ये हमारी टेम्पलेट शीट बन चुकी है। इस अगर कोई भी हमें चेंज करनी होगी तो हम इसमें शीट में करेंगे चेंज, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हल्का सा बड़ा कर देते हैं, चलो कोई नहीं। हमारे यहाँ पे हमें पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। अब सिंपल से मैं टेम्पलेट शीट पे जाऊंगा, मूव और कॉपी पे क्रिएट करूंगा, बोलूंगा क्रिएट अ कॉपी, प्रैक्टिस शीट के बगल में कर दे, ठीक है। टेम्पलेट शीट टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको मैं कलर करूंगा, कलर करने के लिए भी मैं माउस का प्रयोग नहीं करा, अब तक मैंने माउस का प्रयोग नहीं कराया आपके सामने। कलर का सिंपल से शॉर्टकट है ऑल्ट एच ओ, यहाँ पे देख सकते हो ओ क्या टैब, ओ टी टैब कलर, टैब कलर हम सिलेक्ट करेंगे। टैब एक काम करते हैं, आपका ये वाला कलर ले लेते हैं जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, राइट। टेम्पलेट शीट में ऑल्ट एच ओ टी कलर डाल देते टैब में, ब्लू कलर डाल देते, चटकीला ब्लू, राइट, जो आंखों में चुभे थोड़ा, ये ठीक है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यहाँ पे लानी है, राइट। उसके लिए सिंपल से मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कंपनी नेम लिखूंगा पहले तो, या पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ही लेते हैं, ठीक है, मोटा मोटा सब सही लगेगा। आईटीसी, आईटीसी लिमिटेड, राइट, आईटीसी लिमिटेड यहाँ पे मैंने ला लिया। ऑल्ट एच, फॉन्ट साइज आपका, ठीक है, ठीक यहाँ पे मैं इक्वल्स, हम शुरू कहाँ से करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको ऑलरेडी मालूम है, सेल्स, राइट। सबसे पहले मैं सेल्स लिया यहाँ पे, इसको हल्का सा बड़ा करते हैं। यहाँ पे आप यूनिट्स लिख सकते हैं, यूनिट्स किस यूनिट में है, ये इक्वल्स यहाँ पे गए, किस साल से, 2014 का डेटा है हमारे पास, 2014, राइट। कंट्रोल सी, राइट। अब इसको कंट्रोल वन करके डेट फॉर्मेट में करना है मुझे, कंट्रोल वन करा मैंने, ऑल्ट सी क्लिक करा, नीचे गए, नीचे गए, कस्टम कस्टम कस्टम। अब मैं माउस यूज कर रहा हूँ, उसको नीचे गए, यहाँ पे हम, मुझे सिर्फ डेट मंथ और ईयर चाहिए, ठीक है, ठीक है। मार्च 2022, मार्च 23 का भी डेटा है, हाँ मार्च 23 का भी डेटा है। सो सिंपल से इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दिया, मार्च 23 तक का डेटा हमारे पास आ गया। अब मेरे को ये सारे एक ही उसमें चाहिए, तो मैं कंट्रोल कंट्रोल मैंने क्या किया, कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस बार, शिफ्ट दबा के सारे से कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू, लेट्स कीप इट 13, 13 तक रखते हैं, राइट, ठीक। चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं अगर बाद में अगर यूज हुआ तो, ठीक है। सेल्स, सेल्स के बाद आपको क्या आता है, वन सेकेंड थोड़ा पीपीटी में चलते हैं। सेल्स के बाद आपको रेवेन्यू आया, रेवेन्यू हमारा सेल्स और सेम ही है, फिर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चलिए देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। इक्वल्स डेटा शीट में रॉ मटेरियल कॉस्ट, और आपका चेंजेस इन इन्वेंट्री है। देखिए रॉ मटेरियल कॉस्ट और चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, दोनों कॉग्स का ही पार्ट है, राइट। पावर एंड फ्यूल आपका एसजीएन एक्सपेंस है, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी आपका एसजीएन एक्सपेंस है, एम्प्लॉय कॉस्ट, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे आपका, सो ये जो तीन चीज चार एक्सपेंसेस है आपका एसजीएन है। सो रॉ मटेरियल कॉस्ट पहले लिखेंगे यहाँ पे, रॉ मटेरियल कॉस्ट,
चेंजेस इन इन्वेंट्री, राइट। और यहाँ पे मैं लिखूंगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि स्क्रीनर हमें यूजुअली ग्रॉस प्रॉफिट देता नहीं है। तो सिंपल से यूनिट में मैं डालूंगा पहले, पूरा सिलेक्ट करते हैं, ऑल्ट एच एसी सेंटर, सेल्स भी हम डालेंगे रुपीज में, कंट्रोल डी कंट्रोल डी। यूनिट्स लिखना क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे रुपीज नहीं भी डालूँ तो भी मेरा मॉडल जो है वो पूरा नीट एंड क्लीन बनेगा, राइट। सो इसलिए मैं रुपीज यहीं पे लिख दे रहा हूँ। मार्च 2014 में सेल्स कितनी थी कंपनी की, 35,000 करोड़ की सेल्स थी, राइट। सिंपल से कंट्रोल सी करके कंट्रोल ऑल्ट ई एस एफ कर दीजिए, सिंपल से आपका सेल्स आ जा रहा है। एक काम करते हैं, इन कॉलम से छोटा करते हैं, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन रहा है ये। ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू 10, ठीक है 10, ठीक है राइट। रॉ मटेरियल कॉस्ट सिंपल से आपका कंट्रोल सी करके ये ले आइए आप, कंट्रोल बी, यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट भी आ गया, राइट। अब मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का सिंपल से क्या फॉर्मूला है आपका, सेल्स माइनस सम ऑफ सिंपल से आपका ग्रॉस प्रॉफिट, देयर इज सम मिस्टेक मे बी, एक काम करते हैं इसको, दिस माइनस आपका 21,000 करोड़ का, कंट्रोल सी ऑल टी एस एफ फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, राइट। सो ग्रॉस प्रॉफिट मेरे को यहाँ पे मिल गया, राइट। कंट्रोल 1 दबाऊंगा, मेरे को बॉर्डर डालना है यहाँ पे। अब मैं माउस यूज कर रहा हूँ, राइट, आप देख सकते हो, राइट। सो ग्रॉस प्रॉफिट मुझे क्या पता था, अब मेरे को, मैं चाहता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट मुझे यहाँ पे पता लगे, ग्रॉस प्रॉफिट मुझे क्या बता रहा है। ऑल्ट ए वी वी डेटा वैलिडेशन में इनपुट मैसेज डालना है मुझे, इनपुट मैसेज पे हम क्लिक करेंगे, इनपुट, मैंने माउस यूज करा, अब मैं माउस यूज नहीं कर रहा, ऑल्ट टी आपका डेफिनेशन, डेफिनेशन वंस अगेन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ग्रॉस प्रॉफिट इज लेफ्ट आफ्टर रिड्यूसिंग द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द रेवेन्यूज। ओके ओके पे क्लिक कर देंगे, राइट। तो मोटा मोटा मेरे को यहाँ पे डेफिनेशन मिल गया, राइट। ऑल्ट 4 यूनिट हमारा रुपीज है, राइट। अब मेरे को इसमें से क्या माइनस करना है, मुझे क्या माइनस करना है, देखते हैं क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे। पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस है आपका, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको पूरा एक में डाल देते हैं, एसजीएन एक्सपेंस में, एसजीएन एक्सपेंस, राइट, पूरा इसको डाल देते हैं हम एसजीएन एक्सपेंस में। ये भी हमारे रुपीज में, ऑल्ट 4 दबा के मैं रुपी का सिंबल लगा दूंगा, इक्वल्स दिस प्लस B20 था ना, हाँ B20, अदर मैन्युफैक्चरिंग प्लस एम्प्लॉय कॉस्ट प्लस सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंटर, राइट। कंट्रोल सी दब ऑल्ट ई एस एफ। सो हमने क्या किया, हमने करा कुछ नहीं है, एस जी एन एक्सपेंस को हमने पूरा एक जगह डाल दिया, राइट, कि पूरा हमारा एस जी एन एक्सपेंस एक साथ इकट्ठा हो गया ताकि हमारी इनकम स्टेटमेंट छोटी बने, राइट, ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है इनकम स्टेटमेंट को, राइट। और ये सारा रुपीज इन करोड़ है, राइट, यूनिट्स ये सारा करोड़ में है। अब एस जी एन एक्सपेंसिस माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, आपका सिंपल से एबिटडा आ जाएगा, राइट। यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस भी है, अदर इनकम भी है, राइट। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन और एबिटडा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुई है। तो सिंपल से चलिए एक बार एबिटडा निकाल ही लेते हैं, ठीक है। पहले आपका सेलिंग एंड जनरल हमने ये 4 एक कर लिए हैं, अब अदर एक्सपेंसेस बचाए, ठीक है, वो भी लिंक कर ही दो, अदर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ये भी रुपीज में आएगा आपका, ऑल्ट 4 इक्वल्स 1080 कंट्रोल सी और डी एस एस, अदर एक्सपेंसेस आपका अदर इनकम भी रुपीज में आएगा आपको, टैब अदर इनकम को हम ऑल्ट एच आई आर, यहाँ पे एक बार ग्रॉस मार्जिन भी निकाल देते हैं, राइट। ग्रॉस मार्जिन
क्रॉस मार्जिन निकालने का फॉर्मूला सिंपल से क्या है आपका, ये हमारा परसेंट में है, सिंपल से यहाँ पे परसेंट का साइन डालेंगे, इक्वल्स ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स ऑल्ट एस एफ ऑल्ट एच पी राइट, कंट्रोल वन दबा के 2 डेसिमल कर देंगे इसको, नंबर पे गए परसेंटेज 1 2 राइट, ये पूरा कंट्रोल आई कर देते हैं, ग्रॉस मार्जिन आ गया आपका। अदर इनकम के बाद आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, देखते हैं ईबिटा कैसे कैलकुलेट हुआ है यहाँ पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इन्होंने, नेट प्रॉफिट में इन्होंने टैक्स ऐड किया ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऐड किया और डिप्रिसिएशन ऐड किया ठीक है। इक्वल्स ईबिटा सिंपल से एस जी एन एक्सपेंसेस और आपको ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एस जी एन एक्सपेंसेस माइनस दिस प्लस सिंपल से 13,820 करोड़ आपका ईबिटा आ गया कंपनी का। ऑल टी एस एफ ये भी रुपी में आएगा यहाँ पे ऑल्ट फोर। सो ईबिटा निकालने के लिए मैंने क्या किया, सिंपल से देखिए अदर एक्सपेंसेस माइनस में है, एस जी एन एक्सपेंसिस माइनस में है और अदर इनकम प्लस में है, अदर इनकम बाद में मैंने ऐड करी और यहाँ पे 13,800 से मैच होना चाहिए 13,946, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उससे ठीक है। यहाँ पे इबिटा मेरा, इसको मैं बोल्ड कर दूंगा क्योंकि इबिटा मेरा मेन है, सेल्स को भी मैं ऊपर जाके बोल्ड कर दूंगा कंट्रोल बी राइट। फॉर्मेटिंग अभी बाद में करेंगे, मैं पूरी इनकम स्टेटमेंट बता दूँ पहले आपको। इबिटा मार्जिन मुझे यहाँ पे चाहिए, इबिटा कोई भी मार्जिन निकालना, मैं आपको सारे मार्जिन सिखाऊंगा डोंट नॉट वरी। मार्जिन निकालने सिंपल से इबिटा डिवाइडेड बाय आपका सेल्स, कंट्रोल सी ऑल्ट एस एफ राइट ऑल्ट एच पी कंट्रोल वन 2 डेसिमल प्लेसेस कंट्रोल आई, इबिटा मार्जिन आपका। अब डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आएगा, डेप्रिसिएशन बहुत सिंपल है, डेप्रिसिएशन इक्वल्स डेप्रिसिएशन बाद इंटरेस्ट यार गैप दे दो, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन क्या होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, कंट्रोल सी ऑल टी एस एफ राइट, या आपका रुपी में ऑल्ट फोर इंटरेस्ट वंस अगेन आपका ये भी रुपी में ही आएगा, सिंपल सा फंडा है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट हम कर्ज पे देते कि आपके पास कितना कर्जा है उसके बेस पे हम इंटरेस्ट देते हैं ऑल टी एस एफ राइट। मैं कंट्रोल वी नहीं करा ऑल टी एस एफ पर ताकि हम फॉर्मूला ही पेस्ट करें और फॉर्मेट वगैरह पेस्ट ना कर दें क्योंकि कई बार फॉर्मेट अलग होता है। सो ईबिटडा में से जब मैं डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट मैंने माइनस कर दी तो मेरे पास क्या आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट टैक्स सिंपल सा इक्वल्स EBITDA में से क्या माइनस करना है मेरे को, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन माइनस करना है, फिर मेरे को इंटरेस्ट माइनस करना है, कंट्रोल सी ऑल्ट एस एफ ऑल्ट फोर एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मैं बोल्ड करूंगा और मेरे पे पीबीटी मार्जिन आना चाहिए, पीबीटी मार्जिन यहाँ पे ये परसेंट पे है परसेंट, सिंपल से कंट्रोल या छोड़ो उसको तो मैं करके दिखाऊँ, दिस डिवाइडेड बाय सेल्स कंट्रोल सी और कंट्रोल सी ऑल्ट ई एस एफ फॉर्मूला मैंने पेश करा ऑल्ट एच पी कंट्रोल वन कितने डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस सिंपल सा, दोबारा इसको इटैलिक करना है कंट्रोल आई ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपके पास, अब हमारे पास क्या बचा, टैक्स। टैक्स हमारे इंडिया में अराउंड 25% है, आप देख सकते हैं 14 में 31% था, उसके बाद फिर 2020 में जब टैक्स रेट चेंज हुआ आपका 22% आ गया और 25% आपका ओवरऑल टोटल टैक्स रेट आ गया राइट। तो टैक्स रेट क्या होता है आपका, सिंपल से इफेक्टिव टैक्स रेट प्लस सरचार्ज प्लस सेस आपका, ठीक है। फिर अब टैक्स करते हैं, टैक्स को हम एज इट इज लिंक कर देंगे,
ये भी रुपी में है, इक्वल्स टैक्स आपका टैक्स आ गया यहाँ पे। और देखते हैं पैट, पैट ही बचा है राइट, नेट प्रॉफिट ही बचा है। नेट प्रॉफिट सिंपल से आपका, नेट प्रॉफिट क्या होता है आपका, सारे कट कुटा के जितना भी आपके पास बचा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा राइट। इस माइनस 8,765 करोड़ का प्रॉफिट होगा। So, हमने नेट इनकम पूरी बना ली है आपकी, कंट्रोल बी राइट। यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन राइट सिंपल सी क्या गड़बड़ हो गई। ये ग्रॉस मार्जिन ले रहा है इक्वल्स दिस डिवाइडेड बाय सेल्स, हमेशा सेल्स से ही लेते, कोई भी मार्जिन रेशियो हमारा सेल्स ही आ जाएगा ऑल TSL राइट। सो ये हमारी इनकम स्टेटमेंट पूरी रेडी हो गई है, मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाया आपको और हर एक चीज को अब हम डिटेल में जानेंगे कि क्या होती है और कैसे होती है। इस पे पेपर बॉर्डर लगा देते हैं कंट्रोल वाल तो ये हमारी पूरी इनकम स्टेटमेंट रेडी हो गई है राइट। ईबिटा पे एक बार वर्ड लगाए थे नेट प्रॉफिट हमारा मेन है, सेल्स तो नेट प्रॉफिट भी आ गया हमारे पास। तो सिंपल से मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक यहाँ पे एक रो और ऐड करता ताकि हम ईपीएस निकाल सके, ऑल टच IR ऑर्डर हटाने पड़ेंगे। यहाँ पे मेरे को ईपीएस चाहिए, ईपीएस मेरा सिंपल से कैसे निकलेगा, ईपीएस हमारे रुपीस में होता है कि मेरे को एक शेयर पे कितना रुपया मिल रहा है राइट। ईपीएस निकालने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होगा आउटस्टैंडिंग शेयर्स, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे चलते हैं आपका डेटा शीट पे, आउटस्टैंडिंग शेयर हमको यहीं पे मिल जाएंगे। यार कंपनी कितने सारे शेयर इशू कर रही है, 1,100, 1,192 इक्वल्स 1,192 और कंट्रोल सी ऑल TSL। सो 1,100 करोड़ शेयर ITC के इशू है और अब 1,242 करोड़ है। सो कंपनी कंसिस्टेंटली इक्विटी डिल्यूट करे जा रही है, कंपनी की नंबर में है ये राइट, ये तो नंबर में है। तो यहाँ पे मैं हैशटैग डाल दूंगा नंबर। तो सिंपल सा फॉर्मूला है आपका दिस डिवाइडेड बाय कंट्रोल सी ऑल TSL, कंट्रोल वन डेसिमल प्लेसेस का हमें कितना डालना है, 2 डालने डेसिमल प्लेसेस, करेंसी है 2 डेसिमल प्लेस। तो इसको नंबर नहीं भी डालते तो भी चलता है, लेकिन नंबर डाल दिए कोई बात नहीं। सो आप देख सकते हो कि कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल होते हुए भी कंपनी का जो मार्जिन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन, सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो पैट मार्जिन है कंपनी का, नाउ लुक एट दिस, ये आपको बहुत ही ज्यादा इनसाइट देखा कंपनी की रिसर्च में। आप देखिए कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, 20% से प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मार्जिन आपका है और 25% से ऊपर है पिछले कुछ सालों में राइट। अगर मैं एवरेज निकालू, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कंपनी का रहा हूँ 26 से 25 से 26% है राइट, फिर भी कंपनी का ईपीएस 1,500-1,600 पर जा ही नहीं रहा है राइट। आप स्क्रीनर पे भी चेक करो, स्क्रीनर पे चलते हैं ITC का ईपीएस देखते हैं राइट। ईपीएस ये लोग कैसे निकाल रहे हैं, आप देख सकते हो 1,500-1,600 का ही राइट, 15.44 और हमारा यहाँ पे 15.09। सो ये जो
1500-1600 पर जा ही नहीं रहा, ये क्यों ही जा रहा? यहाँ पे ये देखिए, ये रीजन देखिए, कंपनी इतने सारे शेयर्स इशू करके बैठी है कि पर शेयर इनकी कमाई कम हो रही है, इसलिए आईटीसी का जो स्टॉक था वो काफी मूव नहीं करता यूजुअली, और मूव करा भी तो पिछले 1-2 साल में काफी मूव करा है, लेकिन दिस इज द सोल रीजन वाई आईटीसी इन्वेस्टर्स वर सफरिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू 5 ईयर्स, राइट? कि कंपनी जब भी इतने सारे शेयर इशू करती है, कंपनी इतना सब कुछ होते हुए कभी इतनी सारी इक्विटी डिल्यूट कर रही है। सो हमेशा याद रखना गाइस, अगर कंपनी बहुत सारे शेयर इशू कर रही है, समझ जाना इट्स अ नेगेटिव साइन, राइट? वंस अगेन, इट्स अ नेगेटिव साइन, राइट? अब हम रेशियो पे चलते हैं, कंट्रोल 1 आपका बॉर्डर। तो पूरी इनकम स्टेटमेंट बन गई है, मैंने पूरी बॉक्स में क्लीन सी इनकम स्टेटमेंट बना दी है, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको एक बार, क्या हम करते हैं यहाँ पे ऑल्ट एच एम सी, राइट? आई टी सी फाइनेंशियल स्टेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? सिंपल सा आपको एक काम करना है, टेम्पलेट शीट को चाहिए, टेम्पलेट शीट को दोबारा कॉपी कीजिए, मूव कॉपी, ये तो कॉपी, प्रैक्टिस शीट के एंड में यहाँ पे हम डालेंगे इस पे रेशियोस, रेशियो एनालिसिस, राइट? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इनकम स्टेटमेंट की बनानी है पहले, राइट? कि इनकम स्टेटमेंट मेरी रेडी मिल जाए मुझको, राइट? एक काम करते हैं, ऑल्ट एच आई आर, एच आई आर वाइट वाला डाल दो, ऑल्ट एच एच कंट्रोल सी करूंगा, सीधे यहाँ पे ले जाऊंगा इसको, ऑल टी एस टी फॉर्मेट मैंने पेस्ट, इनकम स्टेटमेंट, ऑल्ट एच एफ एस, फॉन्ट साइज हल्का सा बड़ा कर देते हैं इसको 12, ठीक है, ऑल्ट एच एफ एस ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, आपका इनकम स्टेटमेंट रेडी हो गई है। नीचे ही ऐसे हम बैलेंस शीट भी रेडी करेंगे, ऑल्ट एच हल्का सा इसको साइड करते हैं, ऑल्ट एच 6 बेटर, यहाँ पे मैं जाऊंगा ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ कर दूंगा फ्रीज पेन्स, ताकि जब हम नीचे जाएं आपको ये फ्रीज पेन्स रहे, ये हमें पता रहे कि हम कौन से साल का देख रहे हैं, कौन साल का नहीं देख रहे हैं। तो मैं यहाँ 1 लगा दूंगा, राइट? ये मैंने क्यों लगाया आपको मैं बताऊंगा। अब हम रेशियो एनालिसिस करते हैं आईटीसी का, सिंपल से सबसे पहले मैं दोबारा फ्री स्पेन करूंगा ऑल डब्ल्यू एफ एफ, ताकि जब हम नीचे जाएं हमारा ये मॉड्यूल खराब ना हो, ठीक है? चलो सबसे पहले हम मार्जिन रेशियोज निकालेंगे, राइट? मार्जिन रेशियोज क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, मैं सब बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं इक्वल करूंगा, और नो इग नॉट इक्वल रेशियो एनालिसिस, राइट? सिंपल सा आपका, फिर एफ से है ना, इक्वल्स मार्च 40 कंट्रोल, कंट्रोल 1 फॉर्मेट दोबारा मुझे पेस्ट करना है, नंबर में गए, कस्टम में गए, नीचे जा रहे हैं, अब मैं माउस यूज कर रहा हूँ, मंथ मंथ ईयर ईयर वाई वाई, ठीक है, 2023 तक मेरा आ गया, कंट्रोल शिफ्ट वही चीज़ दोबारा करनी है, ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू 10 रेशियो एनालिसिस करना है मुझे, ऑल्ट एच एफ एस फॉन्ट साइज आपका, राइट? So, सबसे पहले मेरे को सेल्स ग्रोथ कैलकुलेट करनी है, राइट? सेल्स ग्रोथ 2014 में, 2014 की सेल्स ग्रोथ निकाल नहीं सकते क्योंकि वंस अगेन आपको सेल्स ग्रोथ निकालेंगे प्रीवियस नंबर चाहिए होते, तो मैं 15 की निकालूंगा, इक्वल्स दिस डिवाइडेड बाय -1, कंट्रोल सी करके, ऑल टी एस एफ करके इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ऑल्ट एच पी कंट्रोल 1
आपका 2 डेसिमल प्लेसेस। अब यहीं से हम फॉर्मेट कॉपी करते जाएंगे, राइट। सिंपल सा फंदा है, यहाँ से मैंने कंट्रोल सी करा, यहाँ पे आया कंट्रोल वी, ओ कंट्रोल जी, ठीक ऑल्ट ई एस टी, मैंने फॉर्मेट पेस्ट कर दिया यहाँ पे, राइट। इरेशन एनालिसिस में मैंने फॉर्मेट पेस्ट कर दिया, पूरा फॉर्मेट यहाँ पे एज इट इज पेस्ट हो चुका है, राइट। सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं आप 2015 की, देखिए 2014 की मुझे इसलिए नहीं निकाली क्योंकि 13 का डेटा नहीं है मेरे पास, डेटा मैं स्क्रीन से ले सकता हूँ लेकिन मेरे को लिंक करके चलना है चीज़ें, राइट। सबसे पहले कौन सा, ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन, फिर आपका एबिटडा मार्जिन, सारे जितने भी मार्जिन रेशियोज है वो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। एबिटडा मार्जिन आपका, एबिट मार्जिन आपका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन, ठीक है। जितने भी इनकम स्टेटमेंट रेशियोज हैं, डेप्रिसिएशन एज अ परसेंट ऑफ सेल, एज अ परसेंट ऑफ सेल्स, तो हल्का सा बड़ा कर दीजिए, कोई इशू नहीं यार, हल्का सा बड़ा, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। डेप्रिसिएशन एज अ परसेंट ऑफ सेल्स आपका, टैक्स एज अ परसेंट ऑफ पीबीटी, और एक और चीज जब आप मार्जिन रेशियोज में देखोगे वो पूरा कॉमन साइज एनालिसिस ही है, राइट। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। और क्या है हमारे पास, एसजीए हो गया, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब बचा हमारे पास पैट, पैट मार्जिन, राइट, ऑल्ट एच आई आर, ऑल्ट एच एफ सी, ऑल कलर आपका ब्लैक होना चाहिए, ये ब्लैक होना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट रेशियोस यहाँ पे बॉर्डर रखा देते हैं, कंट्रोल वन, कंट्रोल ठीक है। सो हो ऊपर लगा दिया बॉर्डर मैंने, कंट्रोल वन, ऊपर बॉर्डर नहीं लगाना, नीचे बॉर्डर लगाना है, राइट। तो सेल्स ग्रोथ मैंने निकाल ली है, मैं ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करूँ, ग्रॉस मार्जिन के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल से इसको यहाँ से यहाँ लिंक कर दूंगा, राइट। कंट्रोल सी, ऑल्ट ई एस एस, फॉर्मेट एज इट इज कॉपी कर दिया हमने। इबिटडा मार्जिन के लिए मैं क्या करूंगा, इबिटडा मार्जिन, इबिटडा मार्जिन को मैं लिंक कर दूंगा, सी कंट्रोल डी। इबिट मार्जिन के लिए मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इबिट, देखिए इबिट मार्जिन मेरे पे है नहीं, मेरे पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मार्जिन है, तो उसके लिए मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लगाऊंगा इक्वल्स, EBITDA माइनस डेप्रिसिएशन, दोनों को ब्रैकेट में डाल दूंगा, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में डाल दिया दिस। जब डेप्रिसिएशन EBITDA में सब डेप्रिसिएशन डाल दो तो आपको EBT बचता, राइट। सिंपल सा, डिवाइडेड बाय सेल्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, ऑल टी एस टी। सो एक और चीज याद रखना, यहाँ से नीचे जाते वक्त आपको जितने भी मार्जिन हैं वो आप पे कम होते जाएंगे, पैड तक जाते जाते, राइट। नीचे जाते जाते मार्जिन आप पे कम होते जाएंगे क्योंकि एक्सपेंसेस घटते रहेंगे, राइट। सो ये बात हमेशा याद रखना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन आपको, सिंपल से प्रॉफिट बिफोर टैक्स लीजिए, हमने निकाला हुआ है, उसको लिंक कर दीजिए कंट्रोल सी। आप एक काम और कर सकते हो इसमें, इस फॉर्मूले में आप इफ एरर भी लगा सकते हो, इफ एरर मैंने ये ना नहीं लगाया, राइट। कंट्रोल सी, ऑल्ट ई एस, अब चाहो तो इफ एरर लगा सो, इफ एरर, इफ एरर मुझे बता दे कि अगर वैल्यू गलत आई तो मुझे क्या चाहिए। इफ एरर वैल्यू इफ ट्रू, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय सेल्स, इफ रॉन्ग अगर गलत आई वैल्यू, अपोस्ट्रोफी कॉमा दिस डैश, तो 0.02%। फॉर्मेट पेस्ट करेंगे कंट्रोल सी,
ऑल्ट एस टी, यहाँ पे हमने एफ एर लगाया, हम सब में एफ एर लगा सकते हैं, लेकिन वो मैंने नहीं करा क्योंकि हमारे पास डेटा अवेलेबल है। लेकिन जब अगर किसी कंपनी में डेटा अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे एफ एर लगाना पड़ेगा। अब हम एफ एर यहाँ पे लगाते रहेंगे, एफ एर वैल्यू इफ ट्रू, टैक्स एज अ परसेंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे, एज अ परसेंट ऑफ सेल्स नहीं लेंगे, क्योंकि टैक्स आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे लगता है, राइट। टैक्स डिवाइड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वैल्यू इफ एरर कॉमा, ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, ऑल टी एस टी, फॉर्मेट आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। पैट मार्जिन सिंपल से आपका, सिंपल से मैं हम लिंक कर देंगे यहाँ से, इफ एरर लगा दो या यहाँ पे भी पैट मार्जिन दिस, अदरवाइज मुझे डैश दे दियो, डैश ज्यादा बेटर लगता है एज कम्पेयर टू एनी अदर नंबर। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स F34, तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगाना था, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, पूरा मैंने फॉर्मेट पेश कर दिया एसेट्स, राइट। इनकम स्टेटमेंट रेशियोस हमारे पास आ चुके हैं, रेशियो एनालिसिस हमने कर लिया है। अब देखिए मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, इससे पहले मैं यहाँ बॉर्डर लगा दूँ, Ctrl 1, Ctrl 1, ये वाली लाइन सो पूरा आपका जो एनालिसिस है वो काफी क्लीन लगना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी क्लीन एनालिसिस है, कोई हमने भसर नहीं करी है। यहाँ पे हमने रुपीस का सिंबल डाल दिया है, यहाँ पे एक काम करते हैं टीपीएस में भी हम नंबर लगा ही देते हैं, Ctrl 1, करेंसी की जगह नंबर, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो दे रखा है यहाँ पे, ये रुपी का सिंबल है और ये आउटस्टैंडिंग शेयर हमारे में और नंबर्स में है, राइट। सो रेशियो में मैंने क्या किया, सेल्स ग्रो देखिए, साल दर साल की सेल्स ग्रो कैसी रही है, 9%, 0.97%, 9%, 1%, 11, 2, 0, 23, 16, तो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ इनकी काफी ज्यादा ठीक लगी है, कुछ खास नहीं है। आईटीसी कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, एक बहुत ज्यादा मेच्योर बिजनेस है। सो वंस अगेन, सेल्स ग्रोथ कभी भी एनालाइज करने से पहले ये बात जरूर याद रखना कि कंपनी का कौन सा कॉर्पोरेट लाइफ साइकिल चल रहा है, कि कॉर्पोरेट लाइफ साइकिल में किस स्टेज पे। आईटीसी देखिए कितने करोड़ की कंपनी है, आपकी 5 लाख करोड़ की कंपनी है, राइट। सो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, आई एम श्योर कि इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में से एक है आईटीसी। सो 5 लाख करोड़ की कंपनी अगर हर साल आपको 10% सेल्स ग्रोथ भी दे रही है, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। और एज वी ऑल नो कि आईटीसी एक मोनोपोली बिजनेस है, काफी ज्यादा डाइवर्स कॉन्ग्लोमेरेट है, राइट। वंस अगेन, आईटीसी को मार्केट हल्के में इसलिए भी ले रहा था क्योंकि एक कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेस है। सो अगर जब आप इनकी इनकम स्टेटमेंट को भी एनालाइज कर रहे हो, राइट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब इनकम स्टेटमेंट की बात आई थी, हमने जब रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं कि सेल्स ग्रोथ इनकी ओवरऑल मीडियम सेल्स ग्रोथ इनका अराउंड 10% आएगा, राइट। यहाँ पे आते हैं हम, मीडियम सेल्स, राइट, मीडियम सेल्स ग्रोथ यहाँ पे क्या आएगा आपका, मीडियम लगाते हैं। मैंने एवरेज इसलिए नहीं लिया क्योंकि एवरेज यूजुअली आपका आउटलायर से इफेक्ट हो जाता है, राइट। मीडियम सेल्स ग्रोथ इनकी 9% है, राइट, और इनकी मीडियम पैट मार्जिन, राइट, सिंपल सा इक्वल्स मीडियम, मीडियम का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, मीडियम क्या होता है, मिडिल वैल्यू ऑफ एनी ऑर्डर। ऑर्डर हटाऊंगा यहाँ से, ऑर्डर आ गया, मीडियम पैट मार्जिन का 24% है और मीडियम सेल्स ग्रोथ इनकी 9% है। सो इतनी बड़ी कंपनियों के बावजूद भी ये आईटीसी आपको इतनी अच्छी ग्रोथ दे रही है कि आप कह सकते हो कि कंपनी एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। वंस अगेन, ये कोई सेल्स रिकमेंडेशन नहीं, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन ये मोटा मोटा मैंने बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया कि कैसे वर्क करती है इनकम स्टेटमेंट। तो वंस अगेन, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये देखना कि ग्रॉस मार्जिन आपका ज्यादा जरूरी है, ग्रॉस मार्जिन कंसिस्टेंटली ऊपर जाना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी की प्रोडक्शन में एक खूबी है कि वो या तो उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि वो कम में बना रही का माल कम में बना रही है, या तो ज्यादा पैसे में बेच रही है। आईटीसी केस में वो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है क्योंकि आईटीसी के प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि आप उनके लिए प्राइस चार्ज, ज्यादा प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकते, आप सिगरेट एक लेवल तक ही बेच सकते हो, आप बिस्किट भी एक लेवल तक ही बेच सकते हो, राइट। सो वंस अगेन, आपकी वही बात आ जाती है कि आप कम में माल बेच रहे हो। और डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, मान लीजिए प्रैक्टिस शीट में आते हैं, अब आपको पता लगेगा प्रैक्टिस शीट क्या होती है। मान लीजिए कंपनी के पास
पे मैं डेप्रिसिएशन एक्सप्लेन करता हूँ। डेप्रिसिएशन, सो सॉरी यार, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है आज, सो सॉरी। डेप्रिसिएशन कंट्रोल बी, मान लीजिए किसी कंपनी का पीपीएनई, पीपीएनई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 10,000 के, राइट? 10,000 के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। उन्होंने ऑल्ट एच एन 10,000 रुपये लगा के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा, राइट? अब देखिए, 10,000 जब खरीदा उन्होंने, तो ऑब्वियसली बात है 10,000 पे क्या होगा, राइट? अब या तो उनके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो इनकम स्टेटमेंट में वो बोले, देखिए इनकम स्टेटमेंट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, कि मुनाफा कितना हुआ और खर्चे कितने हुए, और मुनाफे में से प्रॉफिट सेल्स में से मुनाफा एक्सपेंसेस कट करके कितना मुनाफा हुआ या लॉस हुआ, सिंपल से। नाउ अगर आप किसी भी साल में 10,000 रुपये का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, प्लांट खरीद रहे हो, 10,000 रुपये आपने लगाए, राइट? आप लॉजिकल वे में समझना कि जो पीपीएनडी है आपका, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इट गिव्स यू बेनिफिट्स बेनिफिट्स ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स एंड नॉट अ सिंगल ईयर, नॉट अ सिंगल ईयर। सो इट इज नॉट राइट राइट टू एक्सपेंस इट, एक्सपेंस इट इन अ सिंगल सिंगल ईयर और जस्ट वंस। सो सिंपल सी ये लॉजिक है आपका, जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है ये ओवर द ईयर्स आपके लिए बेनिफिट क्रिएट करता है। सो बेस्ड ऑन दैट वी से कि बॉस हम सारा नहीं यूज करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ डिटरमाइन करेंगे कि इसमें से कितनी यूजफुल लाइफ है हमारे एसेट की, राइट? अभी मैं वो एक्सप्लेन करूंगा यूजफुल लाइफ आप कैसे निकाल सकते हो। फिर हम बोलेंगे ये इसकी सैलवेज वैल्यू कितनी है, सैलवेज वैल्यू कितनी है, सैलवेज वैल्यू मतलब कि यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद इसके पास कोई कितनी भी वैल्यू बचे वो उसकी सैलवेज वैल्यू है, मतलब बची कुछ ही वैल्यू, पूरा इस्तेमाल करने के बाद कितनी वैल्यू बच रही है, राइट? यूजफुल लाइफ मान लीजिए आपकी 15 साल की किसी एसेट की, राइट? सो हम क्या करेंगे, मोटा मोटा बता रहा हूँ, 10,000 डिवाइडेड बाय आपका हर साल 600 रुपये डेप्रिसिएशन लगा देंगे। कि डेप्रिसिएशन की सिंपल सी फॉर्म क्या होती है, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसमें चलते हैं। यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन एक्सप्लेन किया हुआ था, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, यहाँ पे मैंने नहीं करा हुआ डेप्रिसिएशन एक्सप्लेन। कि डेप्रिसिएशन इज द, डेप्रिसिएशन इज द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, लोकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। कि हम सारा 10,000 एक साथ एक्सपेंस ना करके 666 रुपये हर साल डेप्रिशिएट करते रहेंगे और उसको इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस करते रहेंगे एज अ डेप्रिसिएशन। ये हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे चार्ज होता है, ये किसी और चीज पे चार्ज नहीं होता, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेर यू विल रियलाइज कि जो इनकम स्टेटमेंट है वो असल में बैलेंस शीट से कनेक्टेड है, और बैलेंस शीट कनेक्टेड है आपके इनकम स्टेटमेंट से। वो मैं आपके आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि तीनों स्टेटमेंट आपस में कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि जब आप यहाँ पे नीचे जाओगे, जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको बचता है ना, नेट प्रॉफिट, इसमें से भी थोड़ा सा पार्ट कंपनी डिविडेंड दे देती है और थोड़ा सा पार्ट आपके रिटेन अर्निंग्स बन जाती है, जो रिटेन अर्निंग्स आपकी लाइबिलिटी साइड चली जाती है अदर्स इक्विटी शेयर होल्डर, राइट? शेयर होल्डर्स का पार्ट बन जाती है, वो बैलेंस शीट का पार्ट है। सो आपको धीरे धीरे समझ आया कि जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट है आपस में कनेक्टेड है, जो डेप्रिसिएशन है वो आपका बैलेंस शीट में से आता है ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट? दोबारा आपको लेके चलता हूँ मैं, आपको मैं लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ डेप्रिसिएशन का, डॉक्यूमेंट्स FY23 की चलते हैं, राइट? कंट्रोल एफ, सीधा लिखेंगे डेप्रिसिएशन, आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। और भाई तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये कंपनी मुझे बता रही है कि 2023 का डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आपका 1600 करोड़ है, राइट? ये किस पे चार्ज हुआ है आपका, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे चार्ज हुआ है, ये कोई और कहीं से नहीं आया है, राइट? ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जादू की छड़ी करी आपने वहां से आ गया, नहीं, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे ही आया है। अभी मैं बैलेंस शीट दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाना बहुत जरूरी है। मैं इसको जूम इन करता हूँ थोड़ा, लेट मी जस्ट जूम इन ताकि आप ध्यान से पढ़ पाए। सो वंस अगेन ये मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट्स, राइट?
पीपी एंड ई आर स्टेटेड एट कॉस्ट, बैलेंस शीट में कैसे हम स्टेट करते हैं कि कैसे हम रिपोर्ट करते हैं, पीपी एंड ई आर स्टेटेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कि हमने कितने में खरीदा और कंस्ट्रक्शन किया, कितना पैसा लगा उसको बनाने में, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट इफ एनी, राइट, कि हम हमारी जो कॉस्ट थी, एसेट की कॉस्ट थी, उसमें से हमने माइनस किया डेप्रिसिएशन, राइट। और एक और चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है आपका इम्पेयरमेंट। मान लीजिए किसी भी साल आपका एसेट थोड़ा सा खराब हो गया, राइट, या तो उसमें मान लो लेट्स सपोज आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, राइट, उस मोबाइल फोन की वैल्यू 1 लाख रुपए, iPhone 13 खरीदा आपने तो 1 लाख रुपए का, और अब ऑब्वियस सी बात है अगर आपने खरीद लिया और आपको दोबारा उसको बेचने जाओ, आप पूरा 1 लाख रुपए वसूल नहीं कर पाओगे, राइट। मे बी लेट्स से आपने 80,000 में बेचने का सोचा उसको, ठीक है, आपने बोला मैं 80,000 का बेच दूंगा, तो 20% डेप्रिसिएशन तो वहीं पे हो गया कि 20% वैल्यू घट गई, लेकिन आप बोल रहे हो कि यार आईफोन में पानी गिर गया और वो खराब हो गया। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मुझे पता आईफोन वाटर प्रूफ है, लेकिन लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आईफोन पे पानी गिरा और वो खराब हो गया, तो वो एसेट की वैल्यू और गिर गई, क्यों, इम्पेयर हो गया वो और ज्यादा खराब हो गया किसी कारणवश। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट चार्जेस, कि आपका इम्पेयर हो गया एसेट। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, ये भी हम इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पे इम्पेयरमेंट चार्जेस दिखा देते हैं, राइट, क्योंकि जो एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट होती है वो बहुत बड़ी होती है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, कहीं ना कहीं इम्पेयरमेंट चार्जेस आपको मिल जाएंगे, राइट। ऊपर चलते हैं, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी इम्पेयरमेंट चार्जेस होंगे वो यहीं पे आपको दिख जाएंगे, राइट। यहाँ पे कोई इम्पेयरमेंट चार्जेस अभी नहीं है, या कोई भी इम्पेयरमेंट चार्जेस नहीं है, क्योंकि कभी भी एसेट अगर इम्पेयर हुआ, खराब हुआ, डेप्रिसिएशन से हटके होता है वो। डेप्रिसिएशन आपका एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इम्पेयरमेंट आपका वो भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन वो रियल एक्सपेंस है, आपकी पीपीएनडी की वैल्यू को घटा देता है अपार्ट फ्रॉम डेप्रिसिएशन, राइट। दिस वॉज द थिंग अबाउट डेप्रिसिएशन, राइट, और दिस वॉज द थिंग अबाउट द रेशियो एनालिसिस। तो मैंने पूरा इनकम स्टेटमेंट का रेशियो एनालिसिस कर सकते, आप चाहो तो ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकते हो, ट्रेंड एनालिसिस सिंपल से आपका ऑल 10 इंसर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पार्क लाइन पे क्लिक कीजिए, कौन से डेटा रेंज में चाहिए आपको, सेल्स ग्रोथ कैसी रही है आपकी साल दर साल, एंटर मार दो, यहाँ पे आपका स्पार्क लाइन आ गया, आप चाहे तो उसको यहाँ पे भी कर सकते हो, चाहे चलो कर ही देते हो, हट जा ऑल्ट, स्पार्क लाइन पे क्लिक हटाऊं कैसे मैं, यहाँ पे ऑल 10 SL स्पार्क लाइन, यहाँ पे Ctrl C, आपका मोटा मोटा हर चीज का स्पार्क लाइन आ गया। Ctrl 1 करें, बॉर्डर यहाँ से हटाइए, इसको यहाँ लगाइए, डॉटेड बॉर्डर लीजिए यहाँ से, तो तेरी ये क्या बन गया, चलो कोई नहीं, Ctrl 1 यहाँ से। तो ये था आपका इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, Ctrl C, यहाँ पे मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट रेशियो बनाना सिखा दिया है, राइट। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे आपका बैलेंस शीट रेशियो, वो होगा हमारा अगले सेशन में। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप देखिए ऐसा नीट एंड क्लीन रिपोर्ट बनाइए, इसी को हम रिपोर्ट में कनेक्ट करेंगे, राइट, और आगे चल के हम एक बढ़िया सी इनकम स्टेटमेंट की रिपोर्ट बनाएंगे, राइट। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, मैं आपको पूरा सब कुछ सिखा दूंगा बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच। सो और वंस अगेन, अगर आपने मेरे को लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, गाइस प्लीज मुझे लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजिए, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कीजिए, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, और हम बहुत जल्दी रिसर्च रिपोर्ट बनाएंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट, मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। और अगर आप चाहते हो तो मैं करियर गाइडेंस वीडियो भी बना सकता हूँ, अगर आप चाहते हो मैं बनाऊँ, प्लीज कमेंट कर दिया करो यार नीचे, आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करो चैनल को, राइट, और शेयर भी करो उनके साथ, राइट। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ एंड बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।